जरा देखो उठकर, यहाँ का मौसम बदलने लगा है। मैं क्या दाद दूँ तुम्हारी हिम्मत की, वातावरण जो सो रहा था अब आँख मलने लगा है। हमको पता भी नहीं था वह आग ठंडी पड़ी थी, जिस आग पर आज पानी सहसा उबलने लगा है। क्योंकि जो रास्ते में खड़ा था सीना ताने, वो पर्वत अब पिघलने लगा है। Hey guys, Makshit Kanadia back with another very very motivational video. आज का ये motivational video एक ऐसे व्यक्ति की सफलता की कहानी है जो आज के हर यूथ के लिए प्रेरणा का स्रोत है। हमारे पास हर साधन संसाधन है, पर फिर भी वाहनों की कोई कमी नहीं है। और एक वो इंसान था जिसके पास किसी भी प्रकार का कोई साधन नहीं था, कोई सुविधा नहीं थी। केवल एक छेनी हथौड़ा लेकर उसने इतने विशाल पहाड़ का सीना चीर कर रास्ता बनाया। जी हाँ दोस्तों, आप समझ ही गए होंगे, मैं बात कर रहा हूँ माउंटेन मैन दशरथ मांझी की। भले ही मुगल बादशाह शाहजहां नहीं था जो अपने पत्नी के प्रेम में ताजमहल बना पाता, पर वो पहाड़ से भी ज्यादा ऊंचा इंसान था जिसने 22 साल तक एक पहाड़ काट कर उसमें एक रास्ता बनाया। यह कहानी उस इंसान की है जो अखड़ था। उसके पास ना ताकत थी ना पैसा था, लेकिन अपने जुनून, जोश और जिद की बदौलत उसने इस असंभव काम को संभव बना दिया। किसी ने कहा है, अपने हौसलों पर जो एतबार करते हैं उन्हें मंजिलें खुद पता बताती हैं, रास्ते इंतजार करते हैं। दशरथ मांझी बिहार में गया के करीब गहलोर गांव का एक गरीब मजदूर था। बड़े होने पर फाल्गुनी देवी नामक एक लड़की से उसकी शादी हो गई। मांझी ने बताया कि उसकी पत्नी रोज की तरह पहाड़ चढ़कर पानी लेने जा रही थी और अचानक उसका पैर फिसल जाने से उसका घड़ा गिर कर टूट गया। हमारा पत्नी घड़ा में पानी लेकर के जा रहे थे तो वही दीवार में टकरा के फूट गया। वही दिल में हुआ कि तीन युग में कितना घड़ा फोड़ दिया और कितने के टकराया। तब दशरथ मांझी ने सोचा कि गांव की कितनी सारी औरतें हर रोज पानी लेने जाती हैं और इस विशाल पहाड़ को पार करती हैं, तो कितनी औरतों के कितने सारे घड़े टूटे होंगे। तो यह बात उसके दिल को लग गई। हथौड़ा और छेनी लेके निकल पड़ा जंग जीतने। दशरथ मांझी ने बताया कि जब वह पहाड़ चढ़ के जाते थे पहाड़ तोड़ने, तब उनकी पत्नी रोज पहाड़ पर चढ़कर उनके लिए खाना लेके जाती थी। ऐसे ही एक दिन अपने पति के लिए खाना ले जाते समय फाल्गुनी पहाड़ के दर्रे में गिर गई। पहाड़ की दूसरी ओर अस्पताल था जो कि करीब 55 किलोमीटर की दूरी पर था। दूरी होने के कारण उचित समय पर उनको उपचार नहीं मिल पाया, जिसके कारण उनका निधन हो गया। उसके बाद उसने संकल्प लिया कि वह पहाड़ को तोड़ने का काम जारी रखेगा। दोस्तों, किसी ने ठीक ही कहा है, संघर्ष के मार्ग पर जो वीर चलता है वो ही इस संसार को बदलता है। जिसने अंधकार, मुसीबत और खुद से जंग जीती, सूर्य बनकर वही निकलता है। 360 फीट लंबा, 30 फीट ऊंचा और 25 फीट चौड़ा पहाड़ काट कर एक रास्ता बनाना कोई मामूली काम नहीं है। सन 1960 से लेकर 1982 तक लगातार 22 साल तक उसने हथौड़ा और छेनी से पहाड़ को काट डाला और एक रास्ता बनाने में कामयाब हुआ। क्या आपको नहीं लगता कि यह बेहद असंभव काम है? जिस आदमी के पास कोई सपोर्ट नहीं था, उसके रास्ते में हजारों मुश्किलें आईं, लेकिन वह डरा नहीं, थका नहीं और हारा नहीं, और उसने इतना बड़ा काम कर दिखाया। दशरथ मांझी ने कहा था कि परिश्रम मेरा होगा, लेकिन मेरे परिश्रम से कितने लोगों का भला होगा। किसी ने ठीक ही कहा है दोस्तों, हार हो जाती है जब मान लिया जाता है और जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। जब दशरथ मांझी ने पहाड़ काटना शुरू किया तब लोग उनको पागल कहते थे, बेवकूफ कहते थे, लेकिन ये रुके नहीं। इसने ठीक ही कहा है दोस्तों, संघर्ष में आदमी अकेला होता है और सफलता में दुनिया उसके साथ होती है। जिस जिस पर ये जग हंसा है उसी ने इतिहास रचा है। दशरथ मांझी ने अपनी परेशानी, अपना दुख नहीं देखा, उसने समाज के हित में काम किया ताकि जो परेशानी उसे झेलनी पड़ी, उसके पत्नी को झेलनी पड़ी और किसी को ना झेलना पड़े। उसने सबके बारे में सोचा, लेकिन किसी ने भी उसके बारे में नहीं सोचा। दशरथ मांझी को बहुत सारे लोगों ने सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया, चाहे वो राजनेता हो या अभिनेता, सब आश्वासन देके चले गए, लेकिन किया किसी ने कुछ नहीं।
बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने दशरथ मांझी को अपने सीएम की कुर्सी पर बैठा दिया था, लेकिन क्या कुर्सी पर बैठाना ही काफी था? उनकी तरफ से दशरथ मांझी को कोई सहायता नहीं दी गई। वादा तो जरूर किया गया था। मांझी के नाम पर बिहार की सरकार ने कई योजनाएं चला रखी हैं, लेकिन उनके परिवार के लिए सरकार और प्रशासन ने कुछ नहीं किया है। नीतीश जी ने उनका पक्का मकान बनाने का वादा किया था, लेकिन वादा पूरा नहीं किया गया। दशरथ मांझी के बेटे भागीरथ मांझी ने बताया, मांझी द माउंटेन मैन फिल्म के अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी और टीम ने भी मदद करने का आश्वासन दिया था, लेकिन सभी लोग वापस मुंबई जाकर भूल गए। अच्छा, फिल्म जब बना उसके बाद से डायरेक्टर प्रोड्यूसर कुछ बोले होंगे आपको? बोला कि हम 2% देंगे। हाँ, लेकिन दिया कि नहीं दिया? दिया नहीं। जरा सोचिए, अरे बॉलीवुड, तुम लोगों का इसीलिए बुरा दिन चल रहा है कि गरीब का जब हक मारोगे तो कहाँ से अच्छा दिन आएगा। फिल्मकारों ने भागीरथ मांझी को केवल 1,00,000 रुपए दिए और फिल्म के मुनाफे का 2% हिस्सा देने की बात की थी, लेकिन उन्हें ये नहीं दिया गया। सरकार और जिला प्रशासन ने उनके परिवार के लिए घर और रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला और सब हवा हवाई हो गया। अभिनेता आमिर खान के द्वारा भी वित्तीय सहायता का वादा किया गया था, लेकिन वो भी पूरा नहीं किया गया। इससे पता चलता है कि जो हमारे एक्टर हैं, वह केवल स्क्रीन पर ही हीरो है। अगर रियल में देखा जाए तो इनमें कमिटमेंट नाम की कोई चीज ही नहीं है। और ये जो नेता है, राजनेता है, ये केवल बात के नेता है, काम के नहीं। आज देश को आजाद हुए 75 साल हो गए हैं, लेकिन जो लोग गरीब हैं उनकी सिचुएशन अभी भी सेम ही है। दशरथ मांझी को पद्मश्री अवार्ड देने का भी वादा किया गया था, लेकिन वह भी पूरा नहीं हुआ। दोस्तों, मेरे हिसाब से दशरथ मांझी को भारत रत्न मिलना चाहिए। अगर आप उसके सपोर्ट में हैं, तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि उसे भारत रत्न पुरस्कार मिलना चाहिए कि नहीं। हो गई है पीर, पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त थी कि यह बुनियाद हिलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि यह सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ यू लाइक माई वीडियो, मेक श्योर टू हिट दैट लाइक बटन एंड सब्सक्राइब, इट्स टोटली फ्री एंड यू कैन ऑलवेज चेंज योर माइंड लेटर। एंड मेक श्योर टू कमेंट डाउन बिलो दैट व्हिच पार्ट ऑफ दिस वीडियो यू लाइक द मोस्ट। थैंक यू।